मलाड और कांदिवली क्षेत्र के 500 से अधिक लोगों ने समाज सेवक विक्की नागरेचा के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, जिसमें महिला एवं युवकों की संख्या सबसे अधिक है। बताया जा रहा है कि दफ्तर रोड पर स्काई वॉक बनाने को लेकर बीजेपी नेताओं के अड़ियल रवैये से ज्यादातर लोग नाराज है। इसी कारण कांग्रेस पार्टी में प्रवेश लिया है, जिसमें कई भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता भी शामिल है। दादर स्थित तिलक भवन में कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष आरिफ नसीम खान के सामने विक्की नागरेचा, राजू पवार, दिनेश देवाटिका और उनके साथियों का कांग्रेस पार्टी में प्रवेश दिलाकर जोरदार स्वागत सम्मान हुआ। आगामी महानगर पालिका चुनाव में भाजपा को इससे बड़ा नुकसान होने की आशंका व्यक्त की जा रही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में अब एक लहर शुरू हो गई है, क्योंकि झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मोदी जी की सरकार ने पिछले 7-7.5 सालों में इस देश को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम एक तरह से किया है। आज महंगाई आप देखिए आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की आत्महत्याएँ हो रही हैं, किसानों के खिलाफ गलत कानून बनाकर पूरे देश के अंदर वातावरण खराब करने का काम गलत नीतियों के कारण मोदी सरकार जी की वजह से हुआ है। आज 2 साल में कोविड भयानक महामारी बीमारी आने के बाद पिछले 2 सालों के अंदर देश के अंदर गलत नीतियों के कारण हजारों लोगों को मौत का सामना करना पड़ा है। तो कुल मिलाकर मोदी सरकार के झूठ और झूठे प्रचार और झूठे आश्वासन से लोग त्रस्त हैं पूरी तरह से। आज देश लोगों की नौकरियां, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं देश में, महंगाई बढ़ रही है और महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। तो लोग मोदी सरकार के खिलाफ पूरी तरह से आज रास्ते पर उतर रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से ताकत देने के लिए फिर से लोग आगे आ रहे हैं। और लोगों को अब ये लग रहा है कि इस देश को बचाने की लड़ाई जिस तरह से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रही है, यही पार्टी मजबूत है और इसी पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास है और इसलिए भारी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। महिलाएं और युवक जिस संख्या में आज शामिल हुए हैं, महानगरपालिका चुनाव में किस तरह से कांग्रेस को निश्चित तौर पर हमारी ताकत खास करके पश्चिम उपनगर में और बढ़ेगी। जिस तरह से कांदिवली, बोरीवली, मलाड़ इस क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़ छोड़ कर कांग्रेस में जो शामिल हो रहे हैं, उसका फायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को होगा। आज की तारीख में युवा कांग्रेस अच्छी तरह जान चुकी है कि देश का विकास, देश का रोजगार कांग्रेस ला सकती है। इसके लिए हम भारी मात्रा में हमारे कांग्रेस के युवा को प्रवेश करवाया। यहाँ पे आज 500 से अधिक लोग आए थे यहाँ, उसमें महिला
मध्यम वर्ग की उम्र के आदमी हो, महिला हमारी माताएं आशीर्वाद देने आई थी हमको यहाँ पे, और कांग्रेस में मैंने बहुत से बहुत लोगों का जोड़ा है मैंने। हाँ। महानगर पालिका का चुनाव है, उसमें किस तरह का दम दिखाएंगे इस बार? जहाँ हमारे नाना पटोले साहब हमको जहाँ आदेश देंगे वहाँ अच्छे से अच्छे काम करेंगे, हमारे जो भी कैंडिडेट उसको अच्छे से अच्छा मात्राओं में हम जिताने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले तो मैं बधाई देता हूँ हमारे महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले जी को, जो इन्होंने एक काम करने वाला व्यक्ति विक्की भाई नगरेचा, जो हर हमेशा लोगों के बीच में जाकर के उनके समस्या सुनते हैं, काम करते हैं, और हमेशा कोई भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, उनको साथ में लेकर के काम करते हैं। और दूसरी बात, ये जो आज जन शक्ति प्रदर्शन हुआ है और इतने लोगों के साथ गुजराती समाज को लेके, मराठी समाज को लेके, यूपी समाज को लेकर के जो विक्की भाई आज प्रवेश किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो गई होगी, क्योंकि गलत ज़्यादा दिन नहीं चलता है, ये सब लोगों को मालूम है और आपको भी मालूम है कि जितने झूठे वादे, कितने 15 लाख किसी के अकाउंट में आ गए और कितनी क्या क्या हो रही है, ये सब उत्तर मुंबई जानती है। आते हुए टाइम पे हम विकास की तरफ ध्यान देंगे। भाई जगताप जी मुंबई के अध्यक्ष हैं, वो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं, नाना भाई पटोले जी, और आज विक्की भाई प्रवेश कर चुके हैं महाराष्ट्र में। जैसे मराठी में बोलते हैं कि विभक्त वाजली तो समोरच्याचे काय काय वाजते या त्यांनी बघून घ्यावं, अशी मराठीमध्ये कहावत है। इसके लिए आज हम वापस विक्की भाई को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ऐसे लड़ने वाला व्यक्ति, ऐसे काम करने वाला व्यक्ति हमारे उत्तर मुंबई में है। भाई को मैं वापस एक बार बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेस हमेशा हर जाति को साथ में लेकर काम करती है, ये आपको मालूम है। जैसे कि भाई NSY, हम लोग यूथ कांग्रेस से काम करते आए, बढ़ते आए, और देखिए सर, वो हमारे और एक कहावत है, ज्यांच्या जीवनात संघर्ष असते, ज्यांच्या जीवनात रोज काय ना काय असते, तेच जीवन सफल असते। ज्यांच्या जीवनात काही नाही त्यांनी लवकर रस्ता बदला, कारण ही काँग्रेस पार्टी है। आते हुए भारत में हम दिखाएंगे, महानगर पालिका में दिखाएंगे, और MLA के टाइम पे दिखाएंगे, और जब जब जरूरत पड़ेगी कांग्रेस पार्टी को, हम कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ काम करेंगे। आप लोग विक्की नगरेचा के बारे में पूछ रहे हैं, ये नगरेचा फैमिली, इनके बड़े भाई संजय भाई, अभी कोविड के टाइम पे जब भी बारिश आई कुराड़ विलेज में, सब बस्तियाँ पानी में डूबी, हम लोग ने विदिन 4 आवर्स 4 घंटे के अंदर खिचड़ी बनाई, 750 पैकेट पैक कर करके हम लोगों ने लोगों का घर घर में दिया है, स्लम में दिया है, बिल्डिंग के वॉचमैन लोग को खाने के लिए कुछ नहीं था, लाइट बंद था तो उनको बांटा हुआ है। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी है। जैसे विक्की जी की बात कर रहे हैं, विक्की जी एक यंग डैशिंग आदमी है, विजन बहुत अच्छा है उनका। कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है, उस समुंदर में आज वो कूद गए हैं। MPCC का पोस्ट मिलना और नाना पटोले के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में मिलना, ये विक्की जी के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। जैसे कि अभी चुनाव आ रहा है 2022 पे, कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आ रहा है, हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे। लोग कांग्रेसी थे, 7 साल पहले किसी ने बहकाया तो लोगों ने अपना मार्ग चेंज करके उधर गए, हिंदुत्व के ट्रैक पे चले गए, लेकिन कांग्रेस ने छोड़ा नहीं, सभी धर्म को लेके चले और लोगों का सेवा किया। कोरोना में आप देखते हो, हम लोग सब यूपी के उत्तर भारतीय लोग को बस में बिठा करके ब्रिटिश ट्रेन छोड़ना, उनको खाना खिलाना, ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।